इनको एक ग्रेनेड मुहैया कराया गया इस मॉड्यूल को, और ये ग्रेनेड जो है उनको पहले कोई और टारगेट दिया गया, उस टारगेट पर जो है वो कामयाब ना हो सके या उनकी प्लानिंग पूरी ना हो सकी, तो उसके बाद ये सेकेंडरी टारगेट जो चूज़ किया था इसके ऊपर रात 9 बजे के करीब ये अटैक किया गया। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि 4 लोग हमारे इसमें अभी तक जो हैं वो अरेस्ट हो गए हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास जो रिकवरीज हैं वो भी हो गई हैं, और फर्दर लिंक्स इसमें कुछ निकल के आ रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हैंडलर जो है सर, हैंडलर कहाँ का है और कहाँ से ऑपरेट करता है सर? देखिए, हैंडलर जो अली भाई है वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है और वो लश्कर तैयबा का मेन हैंडलर इस वक्त है। देखिए, इसमें कुछ हमारे पास अच्छे लिंक्स सामने आए हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो पूरा एक मॉड्यूल है जो इस वक्त कई जगह पर ऐसी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहा है, उन सबको हम गिरफ्तार कर लें और इस मॉड्यूल को एक ही बार में बस कर दें। देखिए, इससे जुड़ के मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस केस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो सामने आई वो ये आई कि जो मेन ग्रेनेड थ्रोअर था वो काफ़ी तरीके से OGWS ने चूज़ किया और उसके अपने सफ़ों में शामिल किया। वो ऑलरेडी एक ड्रग एडिक्ट था और उसको ये काम अंजाम करने से पहले 3 चरस के सिगरेट जो है वो पिलाए गए, और फिर उसको इस चीज़ के लिए कोक्स किया गया। उसका और उसके साथियों का इनका वीडियो भी बनाया गया, स्पेसिफिक इसमें डायरेक्शंस आई टेररिस्ट की तरफ से कि इनका वीडियो भी बनाया जाए ताकि इन लोगों को बाद में एक्टिव किया जा सके और ये क्लेम किया जा सके। और मेरे ख्याल से उस लिहाज से ये एक मेन हिदायत है जो हम लोगों को भी देना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि जो ड्रग है वो मदर ऑफ ऑल ईविल्स है, और इस जो मंशियात हैं और ऐसी जो बाकी सामाजिक बुराइयां हैं, इन चीज़ को यूज़ करते हुए भी अब टेररिस्ट आगे चल रहे हैं। देखिए, हमारी इसमें काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू मीटिंग्स भी हुई हैं, और इसमें एक एक्टिविटी जो हमारी इवन एट द मोस्ट सीनियर लेवल्स ली गई है, और वहाँ पे से हमें हिदायत भी मिली हैं, और हमारी जो है जो रफ्त कदम है, जो बेसिकली हमारी पूरी इसमें तैयारी है, वो यही है कि हम हर एक उस फर्द को सोसाइटी के, ना कि सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन को या किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को, बल्कि हर फर्द के सोसाइटी को जिसको इस सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो अपने एरिया में जो है पूरी तरह सिक्योर फील करे और किसी भी तरीके से उसको कोई परेशानी लाहक ना हो। इसकी डिटेल्स जैसे ही हमारे पास आती है हम आपसे शेयर। हमारे 2 सालों से हम उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी हमारी यूटी, हर स्टेक होल्डर, चाहे वो मीडिया हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, जनरल पब्लिक हो, हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ा चैलेंज कोविड रहा है। हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने एडमिनिस्ट्रेशन के हर विंग में कोशिश की है, अपनी पूरी एफर्ट्स किए हैं कि इसको कंटेन करें। जिस तरह के मेजर्स लेने चाहिए तो उस पर पूरी कोशिश की गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय हमारे लिए यही है, जनरल पब्लिक और सारे हम जो इन्वॉल्व हैं, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। उसके लिए एक ये हैबिट हमारी बन रही है, कई जगह अभी भी ये हैबिट नहीं बनी है, जिसकी वजह से जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं उसको हमें डिफीट करना है। उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम मास्किंग ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंसेस रखें, और जो गवर्नमेंट ने हमारे पास सीलिंग फिक्स की है, सबसे इम्पोर्टेंट सीलिंग फिक्स की है 25 की तादाद से ज़्यादा, जहाँ भी इम्पोर्टेंट अगर कहीं ज़रूरत है, वैसे तो अवॉइड करनी है, अगर जहाँ पर भी अगर ज़रूरत पड़ती है कोई गैदरिंग की या किसी बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है या कुछ ऐसी चीज़ है, वो 25 से एक भी लोग ज़्यादा ना हो। उसके लिए लोगों को भी इंश्योर करना है ये चीज़ें हो, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमारी एनफोर्समेंट रहेगी। बाकी दुकानों पे, पब्लिक प्लेसेस पे कोशिश की जाए जनरल पब्लिक की कम गैदर हो, अगर जाएं भी ज़रूरी सामान के लिए जाना है उनको तो जाके वापस आ जाएं, इकट्ठे मत होइए, अननेसेसरी रोम अराउंड मत करिए, क्योंकि जिस हिसाब से मल्टीप्लाई होता है, जब गैदरिंग इकट्ठी होती है उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, उससे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मेरी सभी जनरल पब्लिक से सभी अपील है कि हम लोग इस चीज़ का पालन करें, ऐसी नौबत ना आए कि हमें स्ट्रिक्ट कदम तैयार करने पड़े, क्योंकि एनफोर्समेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर हमारा नॉर्मल बिहेवियर से नहीं हो रहा तो हमें एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट होगी आने वाले दिनों में, जहाँ जहाँ मास्किंग नहीं होगी स्ट्रिक्टली फाइन होगा, जहाँ जहाँ कोई हमारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनका
रिक्वायरमेंट है कि कोई इस चीज़ को ध्यान दे, जहाँ पब्लिक आती है उसके लिए सोशल डिस्टेंस रखेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ से हेजिटेशन नहीं होगी, अगर कोई बार बार रिकरेंटली इस चीज़ को डिफॉल्ट कर रहा है तो उसकी दुकान या कोई इस्टेब्लिशमेंट ऐसी सीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कोविड को कंटेन करना। उसके लिए जिस तरह के मेजर्स हों, उन्होंने ICE एक्टिविटीज़ काफ़ी की हैं, वो मीडिया के थ्रू भी रेगुलरली अपील होती हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिलीजियस हेड्स हैं, वो भी अपनी अपनी जगह से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये चीज़ें ना हों। उसके बावजूद भी अगर किसी इस तरह की कोई आती है, कोई डिफ़ॉल्ट होता है या कोई इस तरह के बिहेवियर का एप्रोप्रिएटली नहीं पालन हो रहा है, तो उसके लिए एनफोर्समेंट इम्पॉर्टेंट है और उसकी चाहे हमारी कोशिश रहेगी। लोग जीतेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम लोग झंके की चौप में कहता हूँ, क्योंकि अगर ये ईमानदार इलेक्शन करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस विल बी द बिगेस्ट पार्टी है। आपने इशारा अफसरों को दे दिया कि हमारी हुकूमत आने वाली है, फोन उठाए कीजिए। नहीं, फोन ही नहीं, दे विल बी अकाउंटेबल टुमारो फॉर व्हाट दे हैव डन। आज वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो बादशाह नहीं हैं, वो लोगों के गुलाम हैं, उनने लोगों के लिए काम करना है। और जब तक वो ये नहीं सीखेंगे कि उनको लोगों के लिए काम करना है, तब तक वो उसके सामने भी जवाब नहीं दे सकेंगे जहाँ उन्होंने एक दिन जाना है। फारूक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, गुड लक।